हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस समांतर श्रेणी के बेहतरीन पर्सन के बारे में। पर्सन है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 -88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो RJ4x0AC125 इस कोड पर। इस कोड को आप गूगल यूट्यूब दोनों में सर्च करके इस वीडियो को देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं स्क्रीन पर दिखाए गए इस समांतर श्रेणी के प्रश्न के हल को। लगातार हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम में इस प्रश्न का प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है एक बार फिर से, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 -88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, आपको लास्ट से 12वां पद ज्ञात करना है। आपको थोड़ा सा बता देते हैं, श्रेणी देखिए। पहले श्रेणी जो है वो यह है 1 4 7 10 -88। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, ये जो दिया हुआ ये प्रथम पद है, प्रथम पद ए होता है और ए का मान एक है। और इसके अलावा ये जो बोल रहे हैं भी लास्ट से अंत से 12वां पद ज्ञात करना है, तो 12वां पद इसको एन मान के चलेंगे, 12वें पद को ज्ञात करना है, एन का मान 12 हो गया। सार्वअंतर डी को ज्ञात करते हैं क्योंकि समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी में सार्वअंतर निकालने के लिए सेकेंड पद में से फर्स्ट पद घटा दो, यहाँ 4 में से 1 को घटा दीजिए, 4 में से 1 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए इसके अलावा अंतिम पद L, अंतिम पद जो लास्ट पद होता है L होता है, तो L का मान इसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है। तो आपको देखिए इसने बोला है लास्ट से 12वां पद ज्ञात कीजिए, लास्ट से 12वां पद। देखो अगर शुरू से 12वां पद निकालना होता, शुरू से n-वां पद निकालना होता, तो आपने ये सूत्र यूज किया होगा an बराबर या tn बराबर, जो भी लिखा होगा आपने, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, ए प्लस एन माइनस गुणा डी। तो स्टूडेंट ये तो सूत्र तब लगाते जब शुरू से ज्ञात करना होता 12वां पद, लेकिन लास्ट से ज्ञात करना है तो आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। सूत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लास्ट से n-वां पद, तो लास्ट से n-वां पद का सूत्र है एल, यानी लास्ट वाला अंतिम पद एल माइनस एन माइनस वन गुणा डी। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, इसे प्रथम पद से स्टार्ट किया हुआ था, तो प्रथम पद ए प्लस मतलब ए से आगे की ओर जा रहा है, और वो लास्ट पद से तो पीछे से एल से पीछे की ओर जाएगा, तो माइनस होते हुए आएगा और ये प्लस होते हुए जाएगा। तो ये नॉर्मल सूत्र ए प्लस एन माइनस वन डी है गुणा डी। इसे याद करने के लिए अंत से एनवां पद, तो एन अंतिम पद एल होता है, वहाँ ए था और वहाँ प्लस हो रहा था, जुड़ते हुए जाना था, बढ़ते हुए जाना था, यहाँ घटते हुए जाएगा, एल माइनस वन एन माइनस वन गुणा डी। बाकी से मैं देखिए एन माइनस वन गुणा डी। तो सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा, मान पुट करते हैं, एल का मान ये रहा 88, एल की जगह 88 रख दिया, माइनस की जगह माइनस पड़ा ही है, और इसके अलावा आपके पास एन का मान कितना है, देखिए एन का मान अपने को दिया हुआ है, ये रहा 12 दिया हुआ है, एन का मान 12 दिया हुआ है, यहाँ मान रख दिया, एन की जगह कितना रख दिया, 12 रख दिया, माइनस वन पड़ा। डी सार्वअंतर देखिए कितना दिया हुआ था, डी निकाला था उन्होंने 4 में से 1 घटा के 3 निकाला था, तो ये आ गया। अब इसको सरल कर लो, ध्यान से करिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बराबर के निशान लगाए हैं, आप कभी भी ये गलती मत करना, बराबर का निशान अवश्य लगाना। चलिए एल का मान 88 है, माइनस 12 माइनस 1 है, गुणा में 3 है, सरल करते हैं, 12 में से 1 गया कितना गया, 11, 12 में से 1 गया 11 गुणा 3, 11 गुणा 3 11 3 33, 88 में से 33 गया, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, कितना गया 55 आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने जो ये प्रश्न आपको समझाया है। आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, मतलब दोबारा वीडियो चला के देख सकते हो अगर आपको ये प्रश्न समझ ना आए हो तो। तो हमने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की और एक शॉर्टकट सूत्र मतलब लगा के, हालांकि ये प्रश्न एक तरीके से और भी होते हैं तो वो थोड़ा तरीका बड़ा पड़ता है, तो अपने छोटे तरीके से ही अप्लाई कर लें क्योंकि नंबर तो बराबर ही मिलने हैं, चाहे वो तरीका लगाओ चाहे ये तरीका लगाओ। तो स्टूडेंट्स हमने कोशिश की आपको प्रश्न समझाने की, अगर प्रश्न समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, लेटेस्ट जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए बेल आइकन का जो निशान दिया हुआ है इस तरह से करके इसको प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए आपको जो है आगे की जितनी वीडियो आएगी, आगे जितने भी हम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डालेंगे तो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।